डिस्कशन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. दिस इज द कॉमन इलियक आर्टरी. यू कैन सी हियर दिस कॉमन इलियक विच इज डिवाइड इन टू द आउटर साइड. इट इज द एक्सटर्नल इलियक एंड इट बिकम्स कंटिन्यूस एज ए फीमोरल आर्टरी इनसाइड द लोअर लिम. दिस इज द इंटरनल इलियक आर्टरी. हियर यू कैन सी इट हैज अ टू डिवीजन. दिस इज अ पोस्टीरियर डिवीजन एंड दिस वन इज द एंटीरियर डिवीजन. द नॉर्मली दिस इज द फर्स्ट ब्रांच. दिस इज द फर्स्ट ब्रांच. इट इज द इलियोलंबर आर्टरी एंड दिस इलियोलंबर आर्टरी विच इज गोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स द एला ऑफ द सैक्रम एंड इट इज रिलेटेड विद द ऑब्चुरेटर नर्व. दिस इज द ऑब्चुरेटर नर्व. सिंपथेटिक चेन इलियोलंबर आर्टरी. ऑल दिस स्ट्रक्चर लाइज इन टू द एला ऑफ द सैक्रम. हियर यू कैन सी दिस इज द इलियोलंबर आर्टरी. दिस इज द फर्स्ट आर्टरी. अनदर आर्टरी. दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन. यू कैन सी हियर दिस ब्रांचेस आर द लेटरल सैक्रल ब्रांचेस. दिस इज द लेटरल सैक्रल ब्रांचेस आर 2 to 3 इन नंबर्स. हियर यू कैन सी दिस दिस आर द लेटरल सैक्रल ब्रांचेस. सो लेटरल सैक्रल एंड द कंटिन्यूशन ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन इट बिकम कंटिन्यूस एज ए सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी. दिस इज अ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इट इज सप्लाइज टू द इट गोज थ्रू द ग्रेटर साइटिक फोरामेन अबाउट टू द पायरिफॉर्मिस. आई विल इंट्रोड्यूस दिस फोर्सेप्स फ्रॉम द ग्रेटर साइटिक फोरामेन. हियर यू कैन सी एंड इट इज सप्लाइज टू द ग्लूटियल रीजियन. अनदर एंटीरियर डिवीजन. हियर यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट आर्टरी. इट इज द दिस इज द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी एंड मेजर पोर्सन विच इज इट इज कन्वर्टेड. इट इज द अम्बिलिकल आर्टरी एंड इट इज कन्वर्ट इन टू द कॉर्ड. सो दिस इज द फर्स्ट आर्टरी. इट इज द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी. हियर द सेकेंड आर्टरी. इट इज दिस इज द ऑब्चुरेटर आर्टरी. हियर इट इज अलॉन्ग विद द ऑब्चुरेटर नर्व. सो दिस इज द ऑब्चुरेटर नर्व एंड अलॉन्ग विथ इट्स दिस इज द ऑब्चुरेटर आर्टरी. थर्ड वन इट इज द दिस इज द फीमेल बॉडी. सो दैट्स वाई दिस इज द इन्फीरियर वजाइकल नॉट प्रेजेंट. सो दैट्स वाई इट इज द वजाइनल आर्टरी. हियर यू कैन सी दिस इज द वजाइनल आर्टरी एंड दिस वन इज द मस्क्युलर ब्रांचेस एज वेल एज मस्क्युलर ब्रांचेस एंड दिस इज नॉट मस्क्युलर ब्रांचेस. दिस इज द यूट्राइन ब्रांचेस एंड हियर यू कैन सी दिस इज द मस्क्युलर ब्रांचेस विच इज गोज बैक साइड एंड दिस वन इज द लार्ज ट्रंक विच इज कंटिन्यूज एज ए इन्फीरियर ग्लूटियल एंड इट गिव्स द मिडल रेक्टल ब्रांचेस. इट गिव्स द मिडल रेक्टल ब्रांचेस. सो दिस वन इज द मिडल रेक्टल एंड दिस वन इज द इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी. सो दिस आर द ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर डिविजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. So, inter iliac artery, it lies in front of the sacroiliac joint. Here you can see this is the sacrum and here there is a ilium. So, it in front of the sacroiliac joint. It is also in front of the interiliac vein. Here you can see this is the interiliac vein and this is the external iliac vein. So, it is lies in front of the internal and external iliac vein which is united with the common iliac vein. So it is lies in front of it. We have removed the ureter also but it here we cannot see, but the ureter also lies at that level which passes from here. So these are the branches of the internal iliac artery. Here you can see this is the sacral plexus. This is the sacral plexus S1, S2, S3 branches and this one is the rectum. So this is about to the branches of the internal iliac artery.